अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन और ब्लोटिंग के मसले बहुत से लोगों को फेस करने पड़ते हैं। अक्सर लोगों का वज़न इसीलिए कम नहीं हो रहा होता क्योंकि उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई होती है, और तब समझ नहीं आ रही होती है कि इस इन्फ्लामेशन को, इस सूजन को हम जिस्म से किस तरह से ख़त्म करें। सो बेसिकली इन्फ्लामेशन क्यों होती है? इन्फ्लामेशन दो टाइप्स की होती है। एक, जब हमें कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो वहाँ पर हमारे थोड़ी देर के लिए स्वेलिंग हो जाती है। दूसरी इन्फ्लामेशन वो होती है जो लंबे अरसे से चल रही होती है और हमें उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, हमें उसका आइडिया नहीं होता कि हमारी बॉडी में ये इन्फ्लामेशन चल रही है जिसकी वजह से हमारा वज़न कम नहीं हो पा रहा। स्ट्रेस की वजह से भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, और अगर आप काफ़ी देर तक कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहें तो वो भी आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह बन सकती है। ख़ास तौर पर PCOS, डायबिटीज़, यूरिक एसिड और अल्जाइमर डिजीज़ में ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन साथ साथ चल रही होती है, तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल कंडीशन को तो आपने ट्रीट करना ही करना है, लेकिन इस इन्फ्लामेशन को भी आपने ठीक करना है। अपने डाइट से किस तरह से आप एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स चूज़ करेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव आउट करते हैं, जो जहरीले मवाद होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कोज कर रहे होते हैं। कंटिन्यूस आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आई जा रहे हैं, स्ट्रेस आए जा रहा है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स का सहारा लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। उनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव आउट करते हैं। अगर आपकी डाइट इन्फ्लामेटरी फूड्स पर बेस्ड है तो आपको कंटिन्यूसली टॉक्सिन्स का सामना करना पड़ेगा। आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली टॉक्सिन्स, जहरीले मवाद, फ्री रेडिकल्स एंटर हुए जाएंगे जो कि आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की तरफ लेके चले जाएंगे। तो अपनी डाइट को आपने ज़रूर मैनेज करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को चूज़ करना है और उन फूड्स को अवॉइड करना है जो कि इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से फूड्स किस कैटेगरी में आते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स में नंबर वन हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आता है, जो कि हमें फैटी फिश से मिलता है। लेकिन ऑफकोर्स हमारे यहाँ गर्मियों में फ़िश को नहीं खाया जा रहा होता क्योंकि उसे बहुत गर्म समझा जा रहा होता है, लेकिन गर्म ठंडे का टू बी ऑनेस्ट न्यूट्रिशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप फ़िश को गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आप उसे मॉडरेशन में ले रहे हों। वीक में 2 दफ़ा फ़िश को अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, फ़िश को अपनी डाइट में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओमेगा 3 को सप्लीमेंट्स की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ना हो। और आपकी बॉडी को ओमेगा 3 आउटर सोर्स से लाजमी चाहिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो इसलिए ओमेगा 3 को या तो आप फैटी फ़िश के थ्रू कंज्यूम करें या फिर आप उसके कैप्सूल ले सकते हैं। नट्स में हमारे वॉलनट्स, आलमंड्स, पीनट्स, ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रखते हैं क्योंकि इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडो, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स में शामिल होते हैं। कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी हैं क्योंकि उनमें पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मेजरली जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स है उसमें हमारी बेरीज, चेरीज, ग्रेप्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटोज, बेल पेपर, मशरूम, ब्रोकली, एप्पल, मैंगो, ऑनियन, गार्लिक, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। कॉलीफ्लावर और कैबेज भी बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स हैं, बट स्टिल ये कुछ लोगों को ब्लोटिंग का मसला करवा देते हैं, तो अगर उस केस में आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये इन्फ्लामेशन कम करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मशरूम्स कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं, तो ये बेसिकली हमारी वेजिटेबल की कैटेगरी में आते हैं। आप इसको अपनी चिकन कैबेज सूप में ऐड कर सकते हैं, इससे आपकी वेजिटेबल की सर्विंग भी पूरी हो जाएगी और आपको एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी मिलेगा। टर्मेरिक भी एंटी इन्फ्लामेटरी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर कर्क्यूमिन मौजूद है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, ऑमलेट बनाते हुए भी आप टर्मेरिक उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दूध में आप दूध गर्म करके आप टर्मेरिक को उसमें भी हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध में नहीं डालना चाहते तो आप एक चुटकी या आधा चाय का चम्मच हल्दी मुँह में डालें और ऊपर से पानी पी लें। डार्क चॉकलेट भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो आप उसको भी मॉडरेशन में रहते हुए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ले लें 1 क्यूब। ग्रीन टी में मौजूद कैटेकिन्स भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो आप उसको भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। स्नैक के टाइम पर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मेक श्योर करें कि खाने के फ़ौरन बाद इसे ना लें क्योंकि ये आपके कैटेकिन्स जो है वो फिर न्यूट्रिएंट्स के साथ कंबाइन करके उनको वेस्ट कर देता है। सो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि ग्रीन टी के टाइमिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।
तो इन एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को आप किसी ना किसी तरीके से अपनी डाइट में शामिल रखें ताकि आपकी बॉडी से रेगुलर टॉक्सिंस रिमूव आउट होते रहें। अब एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स के साथ ऐसे कौन से इन्फ्लामेटरी फूड्स हैं जो कि आपने अवॉइड करने हैं, तो आपने अपना सॉल्ट इनटेक बहुत मेंटेन करके रखना है, एक्सेस सॉल्ट इनटेक नहीं रखना, क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट आपकी बॉडी में होगा तो वो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है। रेड मीट भी इन्फ्लामेटरी होता है, तो उसका इनटेक भी आपने कम से कम रखना है, हफ्ते में 2 दफ़ा इज़ इनफ फॉर यू। प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक कम से कम रखें, क्योंकि उसमें भी सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जितना फूड प्रोसेस्ड होगा उतना सोडियम कंटेंट उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम से उन्होंने टेस्ट डेवलप करना होता है, टेस्ट बनाना होता है ताकि आपको वो एपेटाइजिंग लगे। इस वजह से प्रोसेस्ड फूड्स को कम से कम अपनी डाइट में शामिल रखें। इसके अलावा रिफाइंड फ्लोर को अवॉइड करें, हमेशा होल फूड्स की तरफ जाएँ। बहुत सी ऑप्शन हैं हमारे पास अनाज की, तो प्लीज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को हमेशा चूज़ करें। इसके अलावा सोडाज और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो तब भी आपकी बॉडी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देती है, और वो भी आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत से मसले सामने करने पड़ते हैं। तो इसलिए अपनी नींद को भी ठीक करें और स्ट्रेस कम से कम लेने की कोशिश करें। जब भी किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, आप अपने आप को बिजी करें, आप अपनी एक्टिविटीज़ करें वो वाली जो जिसमें आप इंजॉय करते हैं, आप एक्सरसाइज करें, तो वो भी आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम कर देती है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स आप अपनी डाइट में शामिल करके क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से भी निजात हासिल कर सकते हैं, और जो ब्लोटिंग के मसले चल रहे होते हैं वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।